हेलो दोस्तों, एप अड्डा की वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैश असिस्ट सेफ्टी लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन क्या है, प्रॉपरली आप अपने मोबाइल के अंदर इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करोगे, ये एप्लीकेशन दोस्तों आपके क्या काम में आने वाली है, सभी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। जी हाँ दोस्तों, कैश असिस्ट एप्लीकेशन का यूज़ करके यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन के अंदर से लोन कैसे यहाँ पर आप इजीली निकाल सकते हो, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। ऑनलाइन प्रोसेस है दोस्तों, क्विक कैश विदड्रॉ भी यहाँ पर आप इजीली कर सकते हो। पूरा 100% ऑनलाइन प्रोसेस एप्लीकेशन है दोस्तों, तो सभी चीज़ें इसी वीडियो में बताने वाला। एप्लीकेशन रियल है या फेक है दोस्तों, क्या सचमुच में आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके लोन यहाँ पर आप ले सकते हो या फिर एप्लीकेशन फ्रॉड है, ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगता है, तो आपको नीचे की तरफ एग्री का ऑप्शन आ जाता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह से एप्लीकेशन का होम पेज ओपन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात अवेलेबल क्रेडिट अमाउंट यहाँ पर आपको देख सकते हैं कितना रहता है, 60,000 रुपए। 60,000 तक का लोन यहाँ पर आप ले सकते हो। टोटल अमाउंट यहाँ पर आपका रहता है, रिस्पेंड यहाँ पर आपका इतना रहता है, वो आपके लोन लेने के बाद रिस्पेंड यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद रिफरेंस का ऑप्शन आ जाता है और रीपे का ऑप्शन आ जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको होम लोन और माई लोन्स का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पर आप, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन आपको मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने का बोल दे रहा है, तो यहाँ पर आपको आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर डाल देना है। उस मोबाइल नंबर पर दोस्तों एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर डाल देना है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद दोस्तों उसी के नीचे आपको एक पासवर्ड जनरेट करने का बोल देता है, यहाँ पर वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस दिखा देगा। अब यहाँ पर आपको बोरो नाउ का ऑप्शन आ जाता है, अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जितने बार भी एप्लीकेशन परमिशन मांगता है उतने बार यहाँ पर आपको परमिशन दे देनी है अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट कर लेना, इस प्रकार से यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखा देगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो रहता है यहाँ पर दोस्तों आपका 7,500 रुपये का सबसे पहला स्टेप रहता है। पहला स्टेप पार कर लूंगे आपका 7,500 का लोन यहाँ पर पास हो जाएगा। पहले स्टेप में यहां पर आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ पर्सनल सी चीज़ें इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर आपको भरना रहती है। सबसे पहला जो रहता है एक्यूपेशन, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि आप क्या काम करते हो, जैसे कि स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या फिर ऑदर हो, फिर रिटायर्ड हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, या फिर सैलरीड, यहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाती है, आप अपने हिसाब से इसे कन्फर्म कर सकते हो। अभी मैं यहाँ से ब्याह आ जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे वाला जो ऑप्शन रहता है वो एजुकेशन का रहता है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप कहीं पर पढ़ाई वगैरह करते हो तो आप कोर्स क्या एजुकेट हो, यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसे चूज़ कर सकते हो जो भी आप हो। उसके बाद नीचे की तरफ सैलरी, अगर आप कहीं पर जॉब वगैरह करते हो तो आपकी कितनी सैलरी वो यहाँ पर आपको मिल जाती है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपनी सैलरी चूज कर सकते हो। यहाँ से भी मैं बैक आ जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको टाइप टू रेजिडेंट का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि आप कौन सी जगह पर रहते हो, किस टाउन में रहते हो, या फिर रेटेंट्स में रहते हो, या फिर ऑदर रहते हो, यहाँ पर आप ऑदर भी कर सकते हो। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप, यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन आ जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना, नेक्स्ट स्टेप आपका खुल जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहता है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रहता है, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन मांगते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस वगैरह होगा, मोबाइल नंबर होगा, जीमेल होगा, मेरी रजिस्टर्ड होगा, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आती है। तीसरे स्टेप में दोस्तों एप्लीकेशन आपसे आईडी वेरीफिकेशन करने का बोलता है, जो आपके आईडी कार्ड रहते हैं, आधार कार्ड वगैरह रहते हैं, पैन कार्ड वगैरह रहता है, उसका एप्लीकेशन फोटो मांगता है। तीसरे स्टेप के अंदर आपको फोटो अपलोड कर लेना। चौथे स्टेप में दोस्तों एप्लीकेशन आपसे बैंक इन्फॉर्मेशन मांगता है, दोस्तों बैंक आपकी जो भी बैंक अकाउंट है उसका नंबर मांगेगा, आपके बैंक के अंदर जो भी नेम है, आपका बैंक एरिया, जो भी आपका बैंक है, ब्रांच है, वो सभी चीज़ें मांगता है, जो अकाउंट में आपको पैसे लाना है वो पैसे का, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर मांगेगा, सभी चीज़ें एप्लीकेशन मांगते हैं, आपकी चौथे स्टेप में हो जाती है। इतनी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद दोस्तों इजीली आप कैश स्टेट एप्लीकेशन का यूज़ करके लोन यहाँ पर आप ले सकते हो। सभी स्टेप दोस्तों अलग अलग अमाउंट के, जैसे कि पहला स्टेप 7,500 का था, अगला स्टेप अलग अमाउंट करेगा, उससे अगला स्टेप और उससे अगला स्टेप ऐसे अलग अलग अमाउंट के दोस्तों ये आपके पैसे रहते हैं, और इजीली आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करके आप अपना अमाउंट यहाँ पर आप ले सकते हो। उसके बाद लोन का ऑप्शन आ जाता है बीच में, यहाँ पर आप जो भी आपने लोन लिया होगा वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। माय लोन में आकर के दोस्तों यहाँ पर आप अपना लोन भी देख सकते हो, जैसे कि माय डाउनलोड हो जाता है, एडिट न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपकी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ प्राइवेसी पॉलिसी सेटिंग का भी ऑप्शन रहता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप कैश स्टेट सेफली एप्लीकेशन का यूज़ करके लोन ले सकते हो। सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। अब अगर आपको जानना है एप्लीकेशन रियल है फेक है दोस्तों, तो प्ले स्टोर के अंदर ही आपको रेटिंग एंड रिव्यू सेक्शन में आपको आ जाना है ये वाला, इसमें यहाँ पर आप एप्लीकेशन को रेटिंग भी दे सकते हो। और दोस्तों जो जो लोगों ने इस एप्लीकेशन को यूज़ किया होगा उन्होंने रिव्यू जरूर दिया होगा, तो यहाँ पर आप रिव्यू चेक करके यहाँ पर आप पता लगा सकते हो कि एप्लीकेशन रियल है फेक है। बाकी पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दे दी है, आप अपना खुद का रिव्यू भी दे सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।